गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू केसीबी जेट क्लासेस। माय सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि हम एसिड बेस यूनिट पढ़ रहे थे, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अपना जो टेस्ट है एसिड बेस यूनिट से रिलेटेड, वो भी आज आपके सामने है। तो आप भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सॉल्व नहीं करते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, हम भी रिक्वेस्ट है कि जो आंसर है वो आप कहाँ दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी आप कर रहे हो सॉल्व, उसका सॉल्यूशन है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका अगला सॉल्यूशन है वो आपके अगले वीडियो में जरूर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक बोलते जाऊंगा, नोट डाउन करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन द प्रोसेस NH3+NH3 गिव्स NH2-+NH4+, द नेचर ऑफ अमोनिया इज, ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक, नन ऑफ दी। सेकेंड क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज, ऑप्शन है H2O, H3O+, O2-O2। थर्ड क्वेश्चन है, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एमाइड आयन NH2- इज, ऑप्शन है N2H4, NH2OH, NH4+NH3। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ए ब्रांचेड एसिड एज वेल एज ए ब्रांचेड बेस, ऑप्शन है H2SO4, HCO3-, O2- NH4+। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस बेस, ऑप्शन है CH4, Cl-, ROH, NH3। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखिए, विच एक्ट एज लेविस बेस इन द रिएक्शन, रिएक्शन है आपके BCl3+PH3 गिव्स BCl3B और PH3 के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ऑप्शन है इसके PH3 BCl3, बॉथ 1 और 2, नन ऑफ दी। सातवां क्वेश्चन है, वीकेस्ट लॉरी बेस इज, मतलब ब्रॉन्चेड लॉरी बेस है वो कौन सा है, इसके अंदर H- OH- Cn- HCO3-। आठवां क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड इज, ऑप्शन है HN3-, N3-, N3-, N2-। नवा क्वेश्चन है, व्हेन अमोनिया इज एडेड टू वाटर इट डिक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन, ऑप्शन है OH-, H3O+, NH4+, नन। दसवां क्वेश्चन है, एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ऑप्शन है डिफर बाई OH- आयन्स, डिफर बाई ए प्रोटॉन, फॉर्म साल्ट एंड वाटर, कैरी अपोजिट चार्जेस। फिर ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेविस एसिड, ऑप्शन है Cl-, Ag+, Br-, S-। बारहवां क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2- आयन इज, ऑप्शन है NH4OH, NH4+, NH-2, NH3। थर्टीन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ऑप्शन है BOH का होल थ्राइस, POOH का होल थ्राइस, SOOH का होल ट्वाइस और SO2OH का होल ट्वाइस। फोर्टीन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑनली एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन है BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, BOH3 का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। फिफ्टीन क्वेश्चन है, विच एनायन इज वीकेस्ट बेस, विच एनायन इज वीकेस्ट बेस, ऑप्शन है C2H5O-, NO3-, CN-, Cl3COO-। सिक्सटीन क्वेश्चन है, एज पर लेविस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर, ऑप्शन है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर। फिर सेवेंटीन क्वेश्चन देखिए, वीकेस्ट ब्रॉन्चेड बेस इज, ऑप्शन है Br-, ClO4-, NO3-, SO-2। अठारह क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट फॉर OH- एंड H2O, ऑप्शन है ओनली OH- इज बेस, बोथ आर एसिड, बोथ आर बेस, OH- इज एसिड एंड H2O इज बेस। उन्नीसवां क्वेश्चन है, लेविस एसिड इज, ऑप्शन Br3, KCN, NH3, CH4। ट्वेंटी क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ HPO4-2 इज, ऑप्शन है PO4-3,
H3PO4-2, H2PO4 माइनस। तो आज के हमारे ये जो 20 क्वेश्चन है ये एसिड बेस से आपकी जो यूनिट करवाई गई है उससे रिलेटेड है, एसिड बेस के टॉपिक से। तो फिर अपना जल्दी अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं और वो रेडॉक्स रिएक्शन का है। तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे हम अगली यूनिट, इसका सॉल्यूशन है हम आपको लाइव क्लास के अंदर कराएंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, जो भी आपके साथी वगैरह हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी आपसे हमसे जुड़ सकें और जो स्टडी है वो कंटिन्यू रख सकें। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।